हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, जब तक इंडिया के हर कोने में कोई एक सिंगल पर्सन बिजनेस शुरू नहीं कर देता, तब तक वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। जब तक दुनिया के हर कोने में या फिर हिंदुस्तान के हर कोने में कोई भी इंसान पहुंचने की कोशिश करेगा, उससे पहले वो मर जाएगा। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि अपनी आखिरी सांस तक कुछ न कुछ जो बिजनेस आइडियाज वाकई में आप कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं कि आ गए और बस ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लो तो वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बताऊंगा वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं। जाके करिए, रिजल्ट आता है तो उसको आगे बढ़ाइए, नहीं आता है दूसरा आइडिया उठाइए, लेकिन करते रहिए। जो आप करोगे एक लिमिट में रह जाओगे, लिमिट्स को क्रॉस करना है। अगर लिमिटलेस जिंदगी गुजारनी है, छोड़ दीजिए नौकरी। तब तक करते रहिए। कुछ कमेंट्स में पढ़ता हूँ, देखिए बात इसलिए करता हूँ ना कमेंट्स के बारे में, क्योंकि यार वो भी तो इंसान है ना, उनको समझना चाहिए। कुछ आते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बात करते हो, सारे तुम्हारे अपना नौकरी कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, सॉरी छोड़ देंगे नौकरी, अपना काम कर लेंगे, तो तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री में काम कौन करेगा? अरे भैया, ये दुनिया एक प्रोसेस के थ्रू चलता है। पहले बच्चा छोटा सा पैदा होता है, 9 महीने पेट में रहता है, फिर चलना सीखता है 2 साल में, फिर उसके बाद 10वीं में जाता है, 12वीं में जाता है, फिर डॉक्टर बनता है। अब आप बोलोगे सब डॉक्टर ही बन जाएंगे तो मरीज कौन होगा? अरे भाई, एक प्रोसेस के थ्रू पहले कुछ नौकरी करना होता है, नौकरी के बाद अपना काम करना होता है, ये प्रोसेस से दुनिया चलती रहती है। आज आप अपना काम करो, अगर आप नौकरी से थक गए हो, पैसा इकट्ठा कर लिया आपने, अगर नहीं है अभी आपके औकात, पहले पैसा इकट्ठा करिए, थोड़ा बहुत कौन सा देखिए कि मैं कर सकता हूँ, किस बिजनेस को मेरे लिए बढ़िया है, मैं वो कर सकता हूँ, वो मेरे कैपेबल हूँ मैं उसको करने में, उसको पिक करिए, फिर अपना पैसा उसमें लगाइए, थोड़ा लगाइए। जैसे मैं बताता हूँ, 500 से शुरू करिए, 1000 से शुरू करिए, 2000 से, 10000 से, जितनी आपकी कैपेसिटी है शुरू करिए और मार्केट में जाइए। क्या करना? देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि बॉटल के अंदर आप चॉकलेट या जो भी आपको फिल करना है, फिल करके ऊपर से उसकी सीलिंग कैसे करते हैं। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या उसमें लिक्विड जो ऐसे अचार वगैरह होता है वो भी आप सील कर सकते हैं। तो आज लाइव प्रैक्टिकल पानी भर के भी सील करेंगे, अचार भी सील करेंगे, और जो ग्रैनुल्स आते हैं वो तो आप जानते हो सील हो ही जाता है, लाइव देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस जुगाड़ के थ्रू बॉटल में लिक्विड सील कर सकते हैं। जैसे आपका मेयोनीज वगैरह आता है, चटनी आता है, अगर हो जाता है तो बहुत मजा आ जाएगा, आप लोगों को घर से ही आप सारा काम कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है हमारा अचार है, क्योंकि अचार के लिए कमेंट आया था, तो इस अचार को पहले इसमें फिल करते हैं। आपको पता है कोई भी बिजनेस आपको करना है ना, एक वेट मशीन जरूर ले लीजिए आप, क्योंकि वेट मशीन के ही थ्रू आप कोई भी काम कर पाएंगे, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इसको आसानी ऐसे भरिए कि आप इसके साइडों पर ना लग जाए, अगर लगे तो उसको बाद में आप क्लीन कर देना, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले इसके अंदर भर लीजिए कि कितने ग्राम अचार इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूँ। ये अचार वालों के लिए, जैसे अचार का बिजनेस करना है, मैंने ये मंगाया है, जैसे खुला मिल जाता है, ये ऐसे खुला लीजिए और इसके अंदर फिल करिए और जाइए मार्केट में। कितने ग्राम आ रहा है इसके अंदर देख लीजिए, 250 ग्राम का है शायद ये, बाकी देखते हैं कितना आता है इसमें। देखिए 250 ग्राम आ गया ना इसमें। अब आपको क्या करना है, जो इसके ऊपर का टॉपिंग है, क्योंकि यहीं से चिपकता है वो, इस टॉपिंग को अच्छे से क्लीन करना है। देखिए, कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस टॉपिंग को क्लीन कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, कोई भी एक ऐसे फॉइल लेना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है, और सील कर देना है, क्योंकि लाइव आप लोग को दिखा रहा हूं ना, ये देखिए आप लोग एकदम प्रॉपर सील होगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा आप लोग को। अब ये देखिए सील हो गया ना, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या वाकई ये सील हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं। इससे तेज तो कोई नहीं करेगा ना, ये देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर सील हो गया आपका, देख रहे हैं ये, तो इसका मतलब कि लिक्विड भी इसके अंदर से निकलने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से इसका कैप लगाएंगे, यहाँ पे अपने कंपनी के नाम का स्टिकर बनाएंगे और 250 ग्राम का ये आपका अचार तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए आप इसको टेयर कर दीजिए और ये देखिए 250 ग्राम हो गया। अब देखिए दूसरा जो हमारा टेस्टिंग है वो है लिक्विड के साथ, इसके अंदर हम भरेंगे लिक्विड, ठीक है, देखते हैं। अगर ये लिक्विड आ जाता है तो इसमें आप गंगा जल,
गौमूत्र सब कुछ बेच सकते हैं खुद। देखिए जब भी सेलिंग करें ना, ये टॉपिंग अच्छे से क्लियर कर दें क्योंकि ये चिपकता है आपका। अब एक फाइल उठाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, एकदम सेंटर में रखते हैं और फिर से सील करते हैं। क्या पानी रुकता है इसके अंदर, क्या बात है। आप देखो, देखो लाइव देखो, आप घर के जुगाड़ से आपने पानी भी आपने सील कर लिया। ये देख रहे हो आप, पानी भी नहीं निकल रहा। इसका मतलब इसके अंदर आप गंगा जल, गौमूत्र, जो भी इस तरीके के लिक्विड आते हैं सब बेच सकते हो आप लोग इसके अंदर। ऐसे करिए, यहाँ पे अपना लेबल लगाइए और बन गया ब्रांड। तीसरा जो होता है, जब आप सोच लीजिए, जब लिक्विड नहीं गिर रहा है आपका, जब पानी नहीं गिर रहा है इसके अंदर से, जब आपका अचार नहीं निकल रहा है, तो फिर ये चॉकलेट तो मैंने आपको पहले सील करके दिखाई दिया है, लेकिन फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, मिशन सक्सेसफुल। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने जुगाड़ से अपने घर में ये लिक्विड पैक किया हमने इसके अंदर। देखो आप, ये लिक्विड एक बूंद तक बाहर नहीं आ रहा। आप सोचो, एक बूंद भी बाहर नहीं आ रहा, और घर के जुगाड़ से हमने सील किया। इसमें अचार भी हमने सील किया। ये देखिए आप, ये अचार है, 250 ग्राम अचार इस तरीके से आप सील कर सकते हैं। उसके अलावा ये चॉकलेट वगैरह, तो ये जुगाड़ लगा के आप कुछ भी घर में सील कर सकते हैं। स्टिकर मैंने आपको बनवाने का जुगाड़ बताया, कोई भी प्रिंटर के पास जाइए, नहीं है तो जो लेवल मैंने आपको लेवल मशीन दिखाया था लेजर वाला, वो ले लीजिए आप, थर्मल वाला जो होता है, और इस तरीके से काम स्टार्ट करिए। सब आप लोग घर में कर सकते हैं। ये डिब्बे आपको मिल जाएंगे 15 रुपए के, 16 रुपए के, ये 30, 450 रुपए में, 1000 ये मिल जाएंगे। घर में प्रेस होता है, ये करिए तो, मार्केट में जाकर देखिए क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, फिर बताइए कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन कुछ करोगे तब तो पता चलेगा ना कि क्या नहीं हो रहा। भाई 2 और 2 4, जब आप 5 लिखोगे तब पता चलेगा ना, 2 2 4 होता है, चलो इसको 5 नहीं इसको 4 कर लेते हैं, लेकिन जब करोगे तब पता चलेगा ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।